हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। रिकलेक्टेड क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं और डेली हम 5 या 10 क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। आपको पता है कि कोई भी लोन देने से पहले हम कोई सिक्योरिटी रखते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नोट कराते हैं। तो चार्ज मीन्स एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर डेब्ट। मतलब कोई भी आप लोन दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रख रहे हो तो वो चार्ज कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, चार्जेस क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड विद किससे। यहाँ पे एक ऑप्शन में अगर ROC लिख के आ रहा है तो वो भी आपका आंसर सही है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मतलब चार्जेस कहाँ क्रिएट कंपनी के होंगे और रजिस्टर्ड कहाँ होंगे, ROC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर कंपनीज एक्ट अ चार्ज इंक्लूड्स मॉर्टगेज। कंपनी एक्ट में मॉर्टगेज भी आता है। चार्ज इफ नॉट रजिस्टर्ड इज नॉट एनफोर्सेबल अगेंस्ट कंपनी। ये फॉल्स है। कोई भी अगर चार्ज नोट कर दिया गया है तो वो इसीलिए करवाया गया ताकि कल को जो है आप उसको मना ना कर सकें। ठीक है, चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर कोई भी चार्ज रजिस्टर्ड किया गया तो वो 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड करा लेना होगा आपको फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट।